हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज में मॉडर्न इरिगेशन के ऊपर। पर उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी अपडेट्स से आप अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, नोन एज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जहाँ पर हम आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे कि मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन कौन सा होता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन को हम लोग उन्हें कहते हैं जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड रहते हैं। साथ ही साथ वो काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए, मतलब वहाँ पे आपको क्या है, ह्यूमन लेबर नहीं रिक्वायर्ड होती। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि आपका जो भी, मतलब हमने पहले पढ़े थे वेल हो गया, उसमें ट्यूब वेल्स हो गए, उसमें ह्यूमन लेबर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। जैसे आपको वेल से आपने पानी भरा, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं तो डालने ले जाना ही पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट आएगी। ऐसे ही कैनाल वाला में आपको ह्यूमंस लेबर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड हो ही जाती है, और वहाँ पर थोड़ा वेस्टेज ऑफ वाटर भी रह जाता है कि मतलब पानी थोड़ा इवेपोरेशन हो गया, ये हो गया, या गंदगी आ गई पानी में, कुछ इम्प्योरिटीज आ गई। पर जो ये मॉडर्न तरीके होते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ना आपको ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ती है, ना ही ना आपको किसी वेस्टेज ऑफ वाटर की या इवेपोरेशन या बैकिश वाटर वाला की आपको कोई भी दिक्कत आती है। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्प्रिंकल इरिगेशन। ये मैं आपको एक फोटो में आप देख सकते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, बेसिकली ये लोग ऐसे टाइप के बीच में पाइप्स लगा देते हैं और वो रोटेट करते रहते हैं और ये पानी हर जगह फैलता रहता है। ऐसे देखिए आप, जैसे फुहारों की तरह पानी जा रहा है और ये पानी हर जगह काफ़ी लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। साथ ही साथ पानी की इतनी वेस्टेज नहीं होती, पानी अपने पौधों तक पहुंच जाता है। ऐसे पानी के हमें ले जाने आने में कोई नो वेस्टेज ऑफ वाटर, और आपका साथ ही साथ लेस नो ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड, नो ह्यूमन रिक्वायर्ड है, नो ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड। सिंपली आपको कुछ नहीं करना। और इसको हम लोग पता क्या कहेंगे, अगर जैसे आपको आया कि डिफाइन स्प्रिंकल इरिगेशन, तो हम लोग कहेंगे दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज द ओवरहेड, क्योंकि हम लोग ऊपर से, आप देख सकते हैं फोटो में, नीचे आपके जो वेजिटेशन है वो है और आप ऊपर से उसको पानी दे रहे हैं, वेजिटेशन को ऊपर से पानी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ओवरहेड इरिगेशन। और ये काफ़ी पुराने टाइम से यूज हो जा रही है। और जो आपका दूसरा होगा कि इसमें नो वाटर, आप देख सकते हैं नो वाटर वेस्टेज। कौन कौन से तरीकों से वाटर वेस्टेज नहीं होता, बाय सीपेज, मतलब पानी रिसता नहीं है, और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप देख सकते हैं कहीं से इवेपोरेशन हो नहीं सकती, वेस्ट वाटर नहीं होता। और साथ ही साथ ये बेस्ट मेथड है अगर हमें वाटर बचाना है, फॉर वाटर सेविंग, या फिर आप डाल सकते हैं फॉर कंजर्विंग वाटर, कंजर्वेशन वाला के लिए, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, ये है आपका बेस्ट मेथड। साथ ही साथ इसमें आप डाल सकते हैं कि इट इज़ बेस्ट सूटेड, अगर कोई आपसे पूछे कि ये कहाँ पे आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट सूटेड फॉर, तो आप इसमें लिखेंगे एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, ये आपको बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है जहाँ पे अगर आपको इरिगेशन करना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हमने इस पे क्या क्या पढ़ा इन शॉर्ट, कि यहाँ पे ओवरहेड इरिगेशन होती है, वाटर वेस्ट नहीं होता, इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेस्ट नहीं होता, वाटर कंजर्वेशन ही होता है, और बेस्ट मेथड होता है कहाँ पे यूज करने के लिए, सेमी एरिड और एरिड रीजन में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस इरिगेशन है, जहाँ पे हमें पानी की बहुत ज़्यादा स्केसिटी होती है, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वहाँ पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे आपका ये प्लांट है या आपका जो भी एग्रीकल्चर मटेरियल है, यहाँ पे एक पाइप जा रहा है, ये आप ब्लैक कलर का पाइप देख सकते हैं, ये पाइप जा रहा है, और इस पाइप से ये लोग क्या करते हैं, पाइप को इनके रूट से साथ में कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर जैसे आपका ये पेड़ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पाइप जा रहा है, तो पेड़ की जो रूट्स होंगी वो पाइप से कनेक्टेड होंगी, तो ये पाइप क्या करता है, रूट्स में डायरेक्टली पानी पहुंचाता है, कि ये नहीं कि ऐसे ये पेड़ है तो आपने इधर पूरे में पानी डाल दिया, नहीं, ये डायरेक्टली जो उसके पेड़ की रूट्स हैं उसमें ये डायरेक्टली पाइप पानी पहुंचाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। मतलब पाइप बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी कहाँ पहुंचाएगा, डायरेक्टली रूट्स में। ओके, अब हम लोग उसको कहेंगे कि डिफाइन ड्रिप इरिगेशन। तो कैसे डिफाइन होएगा, आप पिक्चर समझ चुके हैं कि ये पाइप होता है, पाइप से एक एक बूंद करके पानी जाता है पेड़ों के रूट्स में। अब हम लोग क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, यह वाटर इज टेकन डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, या फिर आप ऑब्लिक ट्रीज लिख सकते हैं,
और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली नो वेस्टेज, नॉट एट ऑल, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, ये तभी बेस्ट मेथड है जहाँ पे आपको वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं देनी है, वेस्टेज ऑफ वाटर। साथ ही साथ आप इसको कह सकते हैं, नेम इसका ड्रिप इरीगेशन इसलिए पड़ा, या फिर इसको कह देते हैं, कई एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि वाई दिस इरीगेशन इज नोन एज अ ड्रिप इरीगेशन, तो आपका इसका क्या रीजन रहेगा, क्योंकि जहाँ पे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को डायरेक्टली मिलता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसलिए इसका नाम ड्रिप पड़ा है, ड्रिप इरीगेशन। ओके, ये आपके दो मॉडर्न तरीके थे, इसमें से ड्रिप इरीगेशन सबसे कॉमन और आपको इजीली पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया है वो सफिशियंट है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट कॉमन टॉपिक की, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वैसे आप सबको इंपॉर्टेंस पता है क्या क्या है वाटर की, पर अगर आपको एग्जाम में लिखने को आया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। वाटर सबसे पहले हमें पता है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, इट इज एज इट एक्ट्स एज द लाइफ लाइन फॉर ऑल, जैसे फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये आपको पता ही है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया एंड ह्यूमन्स। ओके, ये तो आपका ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग कहते हैं वाटर किस लिए यूज होगा, आपका इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर, इधर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ ही साथ किसके लिए यूज होती है काइनेटिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टेन करते हैं। साथ में साथ हम लोग ये सकते हैं कि वाटर किसके लिए यूज होता है, फॉर नेविगेशन, मीन्स ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाले के लिए यूज हो जाता है, शिप्स वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वाटर इज द ओनली मीन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मरीन लाइफ, मरीन लाइफ कभी तब तक ही रहेगी जब तक पानी होएगा धरती पे, और साथ ही साथ हमारा वेरियस स्पोर्ट्स रिक्रिएशन वाला के लिए काम आता है वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बेसिकली आपको पता ही है क्या क्या वाटर की इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपको आएगा तो 3 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो आप इसमें से कुछ भी पॉइंट सीख सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स और ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।